भिंड जिले की गोहद विधानसभा के बरौली पंचायत की हरिजन बस्ती में नवीन सीसी रोड का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है, जो 5 दिन पहले ही शुरू किया गया। इसका कार्य आदेश कब जारी हुआ यह बताने के लिए सरपंच और सचिव कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, लेकिन स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह निर्माण कार्य 5 दिन पहले ही शुरू हुआ है और पंचायत सचिव प्रियंका शर्मा के पति के द्वारा करवाया जा रहा है। इस बात की शिकायत जब प्रशासनिक अधिकारियों से की गई तो उनके द्वारा काम बंद करवा दिया गया और पोर्टल बंद कर दिया, जिससे कोई जानकारी सामने न आ सके। मजे की बात तो यह है कि यह सड़क निर्माण महज 200 मीटर में किया जा रहा है, जिससे इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर कार्य आदेश पहले का है तो 200 मीटर सड़क बनाने में इतना टाइम क्यों। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले भिंड उपचुनाव में जिले की महगांव और गोहद विधानसभा भी शामिल है। जिले में आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता के दौरान निर्माण होना सवाल पैदा करता है। इस पर अधिकारियों के अपने अपने अलग अलग तर्क हैं। जनपद सीओ काम बंद करवाने की बात कर रहे हैं तो जिला पंचायत सीओ ठेकेदार की बीमारी की बात कर रहे हैं। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि दोषी कौन है। डाली गई, कितने दिन हो गए नहीं, इसको? हो गए 8-10 दिन इसको। अच्छा, हाँ, कौन डालने आया? हरिमान शर्मा है सेक्रेटरी। हाँ, हरिमान शर्मा सेक्रेटरी है ना। अच्छा, प्रियंका शर्मा है सेक्रेटरी। अच्छा, एक तारीख से शुरू की थी तो लगभग 27-28 दिन हो गए। हाँ, अच्छा, कितनी लंबी रोड बनाई जा रही है? ये 100 मीटर की रोड है। हाँ, 100 मीटर। इसमें हमारे यहाँ से परियोजना अधिकारी मिस्टर श्रीवास्तव गए थे और सीओ जनपद पाठक से अभी आपके सामने मेरी बात हुई है। उन्होंने बताया कि ये पंच परमेश्वर योजना से पुराना सीसी रोड का काम चल रहा था, चूँकि ठेकेदार बीमार होने से बाहर चला गया था तो बीच में काम बंद पड़ा था, उसको चालू करवाने की बात कर रहे थे। उन लोग आधा काम हो चुका है, आधा काम शेष है, लेकिन फिर भी ये बात सामने आई है तो उस काम को हमने अभी रुका दिया, फिलहाल बंद है।